गौरव, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने चैनल गौरव चौधरी के एक और फ्रेश वीडियो में। और ये दोस्तों जो वीडियो है ये बहुत ही खास है, क्योंकि आज हम जाने वाले हैं श्री गुरु नानक दरबार दुबई। यहाँ पर दोस्तों ये बहुत ही एक कमाल गुरुद्वारा है और मैं बहुत बार आता रहता हूँ। आज मुझे लगा कि मैं दिखाता हूँ कैमरा से आपको कि कैसा यहाँ पे एक्सपीरियंस है। बहुत ही शांति वाला माहौल होता ही है हमेशा की तरह। तो आइए देखते हैं आज इस वीडियो में कि कैसा है श्री गुरु नानक दरबार दुबई का, और हम करेंगे एक्सप्लोर गुरुद्वारा। और यहाँ पे बेसिकली उसकी तरफ जा ही रहे हैं अभी। सामने जो रोड है वो हम बस पहुंचने वाले हैं, एक दो राइट लेफ्ट लेने के बाद सीधा गुरुद्वारे की तरफ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये है सामने गुरुद्वारा, अगर आप देखेंगे मैं अभी जूम करता हूँ तो ये है, और ये मेरे घर के काफ़ी नज़दीक है। मैं मतलब यहाँ पे समझ लो कि ऑलमोस्ट हर एक हफ्ते दो हफ्ते में चक्कर लगे जाता है, लेकिन अभी लगा कि चलो एक व्लॉग बनाते हैं यहाँ पे, देखते हैं कैसा है कम्प्लीट एक्सपीरियंस। तो ये है इसकी साइड से मेन एंट्रेंस, जो ये डोर है इसका साइड में एक और डोर भी है, वो साइड से आगे मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो ये बेसिकली कंप्लीट कंपाउंड है। जो साइड वाला एंट्रेंस है वो है इस तरफ से, ये वाला। तो ये आप देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ गुरु नानक दरबार दुबई। दोस्तों ये हम जा रहे हैं नीचे बेसमेंट पार्किंग में। दोस्तों हम आ गए हैं और काफ़ी कमाल एक्सपीरियंस होता है यार यहाँ पे आने का हमेशा। मतलब आप कितनी बार भी आ जाओ तो यहाँ पे जो आपको मिलती है सुकून वाली बातें ना, वो कहीं और मिलनी इम्पॉसिबल सी होती हैं। किसी भी आप जगह पे चले जाओ, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, जो पूजा की जगह होती है वहाँ पर जो शांति मिलती है वो बहुत ही कमाल होती है। तो यहाँ पर हम आ गए हैं, ये जगह है जहाँ पर आप अपने जूते उतार सकते हैं, साथ में अपने पाँव धोएँ, हाथ धोएँ, उसके बाद में एंटर कर जाएँ इस गेट से। तो ये पूरा पार्किंग का एरिया है और बस उसके बाद में अंदर जाएंगे। और यहाँ पे मज़े की बात ये कि इस गुरुद्वारे को गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मिला हुआ है, और यहाँ पे दो रिकॉर्ड्स मिले हैं। सबसे ज़्यादा तो ये कि सबसे ज़्यादा नेशनैलिटीज़ ने एक साथ यहाँ पे ब्रेकफास्ट किया था 13 अप्रैल को, तो उसका एक रिकॉर्ड है। इसके अलावा एक और चीज़ का रिकॉर्ड है, तो ये भी बहुत ही अच्छी बात है। अंदर चलते हैं, देखते हैं पूरा एक्सपीरियंस कैसा है। दोस्तों ये व्लॉग थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे मैंने जगह का मान रखते हुए बातें कम की हैं और आपको दिखाया ज़्यादा है, तो आपको इस वीडियो में थोड़ा ऑडियो कम मिलेगा और वीडियो ज़्यादा देखने को मिलेगा। दोस्तों ये है मेन प्रेयर हॉल, और यहाँ पे आप बैठें, कीर्तन सुने, ध्यान लगाएं, प्रार्थना करें। जो लोग ज़मीन पर नहीं बैठ सकते उनके लिए साइड में चेयर्स भी हैं दोनों तरफ, तो वो भी एक सुविधा है। और उसके अलावा इसी में ही नीचे आप देखेंगे अगर साइड से, तो मेडिटेशन रूम वगैरह जो है वो इसी में ही है, लाइब्रेरी भी यहीं पे ही है। तो ये हो गया है प्रेयर हॉल। इसके अलावा इसी के बाहर सामने यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ लगी हुई हैं जो बताती हैं कि गुरुद्वारा कैसे बना, और इसी के बारे में पीछे जो और कुछ फंक्शंस वगैरह होते हैं तो उनकी कुछ फ़ोटोज़ हैं। काफ़ी सालों से है ये बना हुआ, तो यही उसके बारे में और डिटेल्स आपको बताती हैं कुछ फ़ोटोज़ वगैरह के हिसाब से।
मन बिलास पाए साहेब के अचरज देख बढ़ाई मन बिलास। आर्किटेक्चर दिखने में काफी सुंदर लगता है, उसमें पूरा वाइट जब है ये, और ऐसी स्टेयर्स पूरी नीचे तक हैं, दो बेसमेंट लेवल्स हैं, उसके बाद में ग्राउंड लेवल, फर्स्ट फ्लोर पे प्रेयर हॉल है, उसके अलावा ऊपर भी कुछ लेवल्स हैं। और बेसिकली ये वो रास्ता था प्रेयर हॉल में जाने के लिए। मैं नीचे जाता हूँ, अभी हम लंगर खाते हैं और उसके बाद में व्लॉग को करते हैं ख़त्म। तो ये सामने आ गया है वो सेक्शन जहाँ से हम सामने जाएंगे तो लंगर होगा, और यहीं से जब नीचे जाते हैं तो पार्किंग का रास्ता है। तो दोस्तों ये है लंगर हॉल, और सामने से अपना लंगर लीजिए, उसके बाद में यहाँ बैठ के खा सकते हैं। जो लोग नीचे नहीं बैठ सकते हैं उनके लिए साइड में डाइनिंग टेबल्स भी हैं, कुछ इस तरफ हैं और कुछ इस तरफ भी हैं, तो ये भी एक अच्छी सुविधा है सीनियर सिटीजन्स के लिए। और बाकी ये पूरा लंगर हॉल है, इसके दो दरवाजे हैं, एक सामने दरवाज़ा जिससे हम अंदर आए थे, एक दरवाज़ा यहाँ पर दूसरा है, बिकॉज गुरुद्वारे की दो एंट्रेंस हैं तो आप दोनों तरफ से अंदर आ सकते हैं। यहाँ बैठो मतलब कितना सुकून मिलता है, लंगर ग्रहण करो अपना और उसके बाद में आपका पाठ चल रहा है वो सुनते रहो। तो ये है पूरा का पूरा लंगर हॉल। दोस्तों ये बाहर एक गेट है, और ये जो गेट है ये है गेट नंबर 1। इसी से अंदर आते ही आपको साइड में जूते उतारने के लिए और वॉशरूम वगैरह जो है वो नीचे है। साइड में आप देखेंगे इस तरफ तो लंगर की जगह है, और ऊपर जब जाएंगे तो प्रेयर हॉल है। आप देखेंगे दो सर्टिफिकेट्स हैं गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड के, कि लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैपलिंग्स जो है वो यहाँ पे हुआ था 2018 में, और उसके अलावा सबसे ज़्यादा नेशनैलिटीज़ ने एक साथ ब्रेकफास्ट किया था, तो वो भी एक रिकॉर्ड है। उसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर रखी हुई हैं साइड में शोकेस करने के लिए। दोस्तों ये है बाहर से श्री गुरु नानक दरबार साहिब दुबई। और मैंने आपको दिखाया वीडियो बना के कि कैसा है अंदर से, और अगर आप कभी भी आते हैं दुबई तो ये एक मस्ट विजिट जगह है। काफ़ी सुकून मिलता है यार, काफ़ी शांति मिलती है, और रात के टाइम पे यहाँ पे जब लाइट्स वगैरह जल जाती हैं तो और दिखने में अच्छा लगता है। बाकी अंदर आप अगर आएंगे कभी भी, अगर अर्ली मॉर्निंग आते हैं तो बहुत यहाँ पे अच्छा माहौल होता है, जहाँ पे कीर्तन जो है वो चल रहा होता है और दिन भर चलता ही है, लेकिन सुबह सुबह की जो एनर्जी है वो कुछ खास ही होती है। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई और सवाल या सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक या शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी ही वीडियोस, नहीं रोजाना नहीं, हर संडे ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।